Good morning, my dear students. This is the Kumar Saurabh. And first of all, welcome to VSR Adda. Concept clear, exam clear. So, मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जो हैं पिछले क्लास में टेंस को डिस्कस कर रहे थे और टेंस में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट किया था. सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं न्यू टॉपिक, न्यू टेंस. उस टेंस का नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. सो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते किसे हैं. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हम कहां पर करेंगे, किस सिचुएशन में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम टेम्पररी एक्शन में करेंगे. कौन से एक्शन में सर? टेम्पररी एक्शन में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, व्हाट इज अ टेम्पररी एक्शन? टेम्पररी एक्शन मींस मेरे प्यारे बच्चों कि एक ऐसा एक्शन जो कुछ समय पहले स्टार्ट हुआ और कुछ समय के बाद वो खत्म हो जाएगा. जैसे आप देख सकते हैं, मैं आपको जैसे मैंने एक टाइमलाइन बनाया. ये क्या है बच्चों? यह है टाइमलाइन. और जब मैंने ये टाइमलाइन बनाया तो आप देख सकते हो कि एक ऐसा एक्शन जो कुछ समय पहले क्या हुआ, स्टार्ट हुआ. जैसे कि मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने 10 बजे से पढ़ना स्टार्ट किया. अब एक टाइम ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि आप जो है अपनी पढ़ाई को विराम दोगे. अपनी पढ़ाई को क्या दोगे? विराम दोगे. मान लिया जाए मैंने एक घंटा पढ़ा, दो घंटा पढ़ा, तीन घंटा पढ़ा, चार घंटा पढ़ा. अब हम कुछ समय के बाद अपने पढ़ाई को एंड तो करेंगे ना, तो एंड करेंगे. तो कहने का यह मतलब हुआ कि एक ऐसा एक्शन जो कुछ समय पहले शुरू हुआ और कुछ समय के बाद एंड हो जाएगा. कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा. सो यू कैन से कि दिस टाइप्स ऑफ एक्शन इज कॉल्ड अ टेम्पररी एक्शन. आप कह सकते हो कि इस तरह के एक्शन को जो है हम टेम्पररी एक्शन बोलेंगे. लेकिन प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में क्या था? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में था कि एक ऐसा एक्शन जो टेम्पररी ना हो, वो किस चीज का सेंस दे? वो परमानेंट एक्शन का सेंस दे, परमानेंट सेंस दे. लेकिन यहां सर बिल्कुल अपोजिट है, यहां जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम टेम्पररी एक्शन की बात करेंगे. जैसे अभी मैंने कुछ समय पहले पढ़ाना स्टार्ट किया. अब क्या होगा बच्चों? अब जो है कुछ समय के बाद हमारा जो है आज का सेशन वो एंड होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये जो एक्शन चल रहा है वो टेम्पररी एक्शन है. वो कैसा एक्शन है? टेम्पररी एक्शन है. तो एक बात हम लोग को समझ में रखना है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हम उस एक्शन में करेंगे, उस सिचुएशन में करेंगे जहां पर वो एक्शन टेम्पररी रहेगा, तो जहां भी टेम्पररी रहेगा बच्चों, उस जगह पे हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे, अब आगे की बातें आती है कि सर अब हम जो है हम इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे. सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करूं तो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था मेरे प्यारे बच्चों कि सेंटेंस जो है वो 5 टाइप्स के होते हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस. क्या आते हैं सर? अफर्मेटिव सेंटेंस. और अफर्मेटिव सेंटेंस का जो है वो स्ट्रक्चर क्या होगा सर? तो वो होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के नाम पे इज, आम, आर, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट. अब आप देख सकते हैं सर यह जो है स्ट्रक्चर बन गया किसका बच्चों? यह स्ट्रक्चर बन गया
अफर्मेटिव सेंटेंस का, किसका बना? अफर्मेटिव सेंटेंस का। और अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है सर? तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। और जैसा कि मैं बताया हूं, यह जो है इज एम आर, ये अपने आप में हेल्पिंग वर्ब है। ये कैसा वर्ब है सर? ये हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, ये कैसा वर्ब है सर? यह हमारा एक्शन वर्ब है, जिसे हम लोग मेन वर्ब भी बोलते हैं। तो आप जो है इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, आप देख सकते हो कि सेंटेंस स्ट्रक्चर में अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए हम किस तरह से डिजाइन करेंगे, किस तरह से ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आ प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इज एम आ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी एक्शन वर्ब। अब इसमें जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म वर्ब का कॉन्टिन्यूअस फॉर्म को क्या करेंगे? यूज करेंगे, वर्ब के कॉन्टिन्यूअस फॉर्म को यूज करेंगे। तो सर अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे सर? तो इसका स्ट्रक्चर बनाना बिल्कुल आसान है बच्चों। जैसे मैं बोलूं कि आप लोग क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो। मैं क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं। बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। समझ में आ रही है बातें? तो ये सारी चीजें जो है एक टेम्पररी एक्शन है। कहने का यह मतलब है कि मैं पढ़ा रहा हूं तो कुछ समय पहले पढ़ाना स्टार्ट किया, कुछ समय के बाद एंड हो जाएगा। आपने पढ़ना शुरू किया, आपने कुछ समय पहले से पढ़ना शुरू किया, कुछ समय के बाद पढ़ना खत्म हो जाएगा। बच्चे खेल रहे हैं, कुछ समय पहले से वो खेलना शुरू किए और कुछ समय बाद खेलना बंद कर देंगे। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंस हैं, वो सारे सेंटेंस जो है वो टेम्पररी एक्शन का सेंस दे रहे हैं। और जो टेम्पररी एक्शन का सेंस देगा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बोला जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा सर? तो इसका स्ट्रक्चर होगा कि वह खेल रहा है, तो ही इज प्लेइंग। वह क्या खेल रहा है सर? वह क्या खेल रहा है? तो ही इज प्लेइंग लूडो। वह लूडो खेल रहा है सर। राम क्या खेल रहा है सर? तो राम इज प्लेइंग क्रिकेट। राम जो है वो क्रिकेट खेल रहा है। तो आप मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल आसानी से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को डिजाइन कर सकते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं। तो मैं पढ़ा रहा हूं तो आप बहुत ही आराम से कह सकते हो कि आई एम टीचिंग। मैं क्या कर रहा हूं सर? मैं पढ़ा रहा हूं। तो आई एम टीचिंग क्या हो गया सर? तो आई एम टीचिंग हो गया बच्चों, यह हो गया सब्जेक्ट, यह हो गया हेल्पिंग वर्ब, यह हो गया वर्ब में कॉन्टिन्यूअस फॉर्म हो गया। मतलब कहने का मतलब हुआ कि वर्ब के साथ क्या लग गया सर? आई एन जी लग गया। और टेंस टॉपिक में वर्ब प्लस आई एन जी जो है वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म को शो करता है। किसे शो करता है? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म को शो करता है। तो आप बिल्कुल आसान तरीके से जो है इस तरह से सेंटेंस का डिजाइन कर सकते हैं, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है बच्चों निगेटिव सेंटेंस। क्या आता है? निगेटिव सेंटेंस। और निगेटिव सेंटेंस के लिए मैंने आपको बतलाया था बच्चों कि निगेटिव सेंटेंस के लिए किसी भी सेंटेंस को अगर निगेटिव बनाना है तो हम उस सेंटेंस में नॉट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे सर? नॉट का प्रयोग करेंगे।
तो अब जो स्ट्रक्चर जो डिजाइन हम लोग करेंगे वो किस तरह से करेंगे सर? तो हम लोग करेंगे सब्जेक्ट प्लस इज आम आर प्लस नॉट प्लस कॉन्टिन्यूअस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हम देख सकते हैं हम लोग जो है बच्चों वो देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं सर? सब्जेक्ट हमारा जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे या इसी को बोल देंगे डूअर, करने वाला। उसके बाद इज एम आर, ये क्या कर रहा है सर? यह हेल्पिंग वर्ब है, नॉट सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, यह हो गया एक्शन वर्ब जो भी हम एक्शन करेंगे, और यह हो गया ऑब्जेक्ट, यह हो गया ऑब्जेक्ट। तो अब आप यहां पे अच्छे तरीके से देख सकते हो, अब आप यहां पे अच्छे तरीके से देख सकते हो कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट। अब आपको पता ही है कि नॉट जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है और मेन वर्ब के पहले आता है। किस सेंटेंस में? निगेटिव के सेंटेंस में। निगेटिव के सेंटेंस में नॉट जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले आता है। तो अब आप इस तरह से बहुत ही प्यारे से सेंटेंस को डिजाइन कर सकते हैं बच्चों, बहुत ही प्यारे से सेंटेंस को डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं बोलूं आगे, अगर अभी मैं पूछूं कि क्या रामू क्या कर रहा है, रामू क्या कर रहा है, रामू क्रिकेट खेल रहा है, तो आप बोलोगे नहीं सर रामू क्रिकेट नहीं खेल रहा है, वो क्या कर रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है, वो क्या कर रहा है सर पढ़ाई कर रहा है। तो आप इस तरह से सेंटेंस को बना सकते हैं बच्चों, रामू इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, रामू इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, रामू जो है वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है, रामू जो है वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो ये क्या हुआ सर? यह जो है कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ, यह जो है कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ, और इसमें जो है निगेटिव मतलब नकारात्मक भाव दे रहा है, मतलब निगेटिव की बात हो रही है कि वो जो है नहीं खेल रहा है, वो जो है नहीं खेल रहा है, वह जो है नहीं पढ़ रहा है, वह जो है नहीं सो रहा है। ये सारी बातें किसकी है सर? ये सारी बातें निगेटिव की है सर। किसकी है? निगेटिव की है। तो सुन रहा है ना तू, मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो परमानेंट एक्शन में यूज होगा। कौन से एक्शन में यूज होगा सर? टेम्पररी एक्शन में यूज होगा, सॉरी किस में यूज होगा? टेम्पररी एक्शन में यूज होगा। अब इसके बाद आता है, इसके बाद क्या आता है सर? इसके बाद आता है मेरे प्यारे बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस उस टेंस सेंटेंस को कहते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछने का काम किया जाता है, जिसमें क्वेश्चन पूछने का काम किया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है बच्चों वह जो है पूछताछ करने की बात करती है। किसकी बात करती है सर? पूछताछ करने की बात करती है। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेट वर्ड से ही बना है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेट वर्ड से ही बना है इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है बच्चों वो टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? टू टाइप्स के। तो सबसे पहले होते हैं क्लोज एंडेड। क्या होते हैं सर? क्लोज एंडेड। और क्लोज एंडेड में हम बात किसकी करते हैं? जिसमें आंसर का आंसर मिले हमें यस और नो में, जिसमें आंसर मिले हमें यस और नो में, उसे हम लोग बोलेंगे क्लोज एंडेड। क्या बोलेंगे? क्लोज एंडेड। अब आगे की अगर मैं बात करूं, आगे की बात करूं तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है सर? तो इसकी स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले मुझे
हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है, क्या लिखना होता है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस तरह से हमें स्ट्रक्चर को क्लोज एंडेड के स्ट्रक्चर में डिजाइन करता हूं। और आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब के नाम पर यहां क्या आएगा सर, तो यहां आ जाएगा इज एम आर, और उसके बाद सब्जेक्ट, और मेन वर्ब के लिए वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब ये काम क्या करेगा सर, तो यह काम करेगा क्वेश्चन पूछने का। क्या काम करेगा सर बताइए ना। अरे बच्चों, काम करेगा क्वेश्चन पूछने का, क्वेश्चन पूछने का काम करेगा। जैसे जैसे मैं बोलूं कि क्या तुम पुस्तक पढ़ रहे हो, क्या तुम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, क्या तुम टीवी देख रहे हो, क्या तुम सो रहे हो, तो यहां से हम कह सकते हैं कि आ यू, आर यू स्लीपिंग, आर यू स्लीपिंग। तो आर यू स्लीपिंग कहने का मतलब क्या हुआ सर, आर यू स्लीपिंग कहने का मतलब हुआ कि क्या तुम सो रहे हो, क्या तुम सो रहे हो। तो यहां जवाब क्या मिलेगा सर, यहां जवाब मिलेगा चाहे तो यस, चाहे तो नो, चाहे तो यस या चाहे तो नो। समझ में आ रही है बातें बच्चों। तो यह जो थी किसकी बात थी, क्लोज इंडेड की। अब आपको पता ही है कि क्लो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में टू टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, एक होते हैं क्लोज इंडेड और दूसरा होते हैं ओपन इंडेड। तो क्लोज इंडेड के लिए स्ट्रक्चर बनेगा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद एक्शन वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम बात करेंगे कौन से सेंटेंस के सर, तो हम बात करेंगे ओपन एंडेड सेंटेंस का। किसकी बात करेंगे सर, ओपन एंडेड सेंटेंस का। तो ओपन एंडेड सेंटेंस में मैं आप लोगों को बताया था बच्चों, ओपन एंडेड के सेंटेंस में मैं आप लोगों को बताया था कि क्या बताया था सर, ओपन एंडेड में जो आंसर मिलेगा, जो आंसर मिलेगा वह ओपन मिलेगा, मतलब आपका जवाब भी अलग, इनका जवाब भी अलग, इनका जवाब भी अलग, मतलब कि लोगों के जवाब, लोग चेंज आंसर चेंज, पीपल चेंज आंसर चेंज। लेकिन क्लोज एंडेड में ऐसी बात नहीं थी, क्लोज एंडेड में बात थी कि उसका जवाब मुझे चाहे तो हाँ में मिलेगा या तो चाहे तो ना में मिलेगा। अब जब हम ओपन एंडेड की बात करते हैं तो आपको बताया था कि ओपन एंडेड के लिए हमें क्वेश्चन वर्ड की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है सर, क्वेश्चन वर्ड की। और इसी में मैं बोलूं, क्वेश्चन वर्ड में चाहे तो आप बोल सकते हो डब्ल्यू एच फैमिली। और मेरे प्यारे बच्चों, डब्ल्यू एच फैमिली में कौन से वर्ड आते हैं सर, तो ये आते हैं व्हाट, हु, whom, why, when, where, how often, ऐसे कई वर्ड हैं सर, ऐसे कई वर्ड हैं जिसके सहारे हम लोग, जिसकी मदद से हम लोग क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं, क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। तो ओपन एंडेड में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, क्या आएगा सर, क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के नाम पे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के नाम पे इज आम आ, इसके बाद सर सब्जेक्ट, इसके बाद सर वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, उसके बाद सर ऑब्जेक्ट। अब तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को इस तरह के सिंपल स्ट्रक्चर है, कोई ज्यादा टफ स्ट्रक्चर नहीं है, वेरी सिंपल स्ट्रक्चर है। और आप एक बार अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे, आपको हर स्ट्रक्चर समझ में आएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आप देख सकते हो कि क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि तुम जो है वो कहां जा रहे हो,
तुम कहां जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तो इस तरह के जितने भी सेंटेंस होंगे बच्चों वह इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर से बनेंगे। जैसे मैं बोलूं व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम कहां जा रहे हो, सो वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। सो आप यहां देख सकते हैं व्हाट क्या है सर, तो व्हाट है क्वेश्चन वर्ड, आ क्या है सर, आ है हेल्पिंग वर्ब, यू क्या है सर, यू है सब्जेक्ट, एंड डूइंग क्या है सर, डूइंग है एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब इज अ कोल्ड मेन वर्ब, यू कैन से नो इशू। नेक्स्ट वेयर, वेयर क्या है सर, वेयर क्वेश्चन वर्ड, आ क्या है सर, हेल्पिंग वर्ब, यू क्या है सर, सब्जेक्ट, एंड गोइंग क्या है सर, इट इज अ एक्शन वर्ब। सो यू कैन मेक अ सेंटेंस इन अ इजी वे विद द हेल्प ऑफ द दिस टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, इज अ वेरी इजी स्टूडेंट, वेरी इजी। सो देख सकते हैं आप व्हाट आर यू डूइंग, क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और एक्शन वर्ब, वेयर आर यू गोइंग, क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट एंड एक्शन वर्ब। तो यह सेंटेंस जो थी वह सेंटेंस जो थी वो किसकी थी सर, ओपन एंडेड की सेंटेंस थी, किसकी सेंटेंस थी, ओपन एंडेड की सेंटेंस थी। अब आता है मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या आता है सर, अब आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब क्या आता है सर, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब आप देख सकते हैं कि इंट्रोगेटिव, यहां इंट्रोगेटिव की बात कर रही है, मतलब इंट्रोगेटिव में यहां क्वेश्चन वर्ड होगा, निगेटिव की बात कर रही है, यहां नॉट होगा, समझ में आ रहा है। तो इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस में यह जो है इंट्रोगेटिव भी होगा, मतलब क्वेश्चन वर्ड भी होगा, निगेटिव की बात कर रहा है तो नॉट भी होगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा सर, इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा सर, तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर एक्शन वर्ब आएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अब देख सकते हैं, और यहां जो नॉट की बात कर रहे हैं हम लोग, वो हेल्पिंग वर्ब के बाद ना आके मेन वर्ब के पहले आएगा। तो इस चीज की आपको ध्यान रखनी है बच्चों, इस चीज की ध्यान आपको रखनी है, क्या रखनी है सर, तो यह रखनी है जब हम निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं, जब हम निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वह जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले आता है। लेकिन जब हम किसकी बात कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव की, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट को नहीं रखेंगे, हम कहां रखेंगे सर, हम रखेंगे मेन वर्ब के पहले, मेन वर्ब के पहले। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्वेश्चन वर्ड के बाद, क्वेश्चन वर्ड के बाद आपका आएगा हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन वर्ड के बाद आपका आएगा हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा सब्जेक्ट, ना कि नॉट। तो इस चीज का आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। तो अब आप समझ गए कि क्वेश्चन वर्ड के नाम पे हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, एक्शन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो अब मैं आपसे बोलूं कि तुम क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे हो, तुम क्यों नहीं पटना जा रहे हो, तुम क्यों नहीं सो रहे हो, तुम प्रियंका से, मोनिका से क्यों नहीं बात कर रहे हो। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंस होंगे बच्चों, अब आप इस स्ट्रक्चर के मदद से आप सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। तो जैसे मैं बोलूं कि वाई आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वाई आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट, मतलब तुम क्यों नहीं क्रिकेट खेल रहे हो, तुम क्यों नहीं क्रिकेट खेल रहे हो, तुम क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे हो,
Why are you not studying? Why are you not studying? तुम क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे हो? अब आप बोलोगे सर आप क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, आप क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, तो वाई आर यू नॉट टीचिंग, वाई आर यू नॉट टीचिंग, और एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। क्यों सर? क्योंकि इधर जितने भी जो हैं वो किसकी बात कर रहा है सर? वो बात कर रहा है क्वेश्चन वर्ड की, क्वेश्चन पूछने की बात कर रहा है, क्वेश्चन पूछने की बात कर रहा है। तो हम जो है बच्चों वह सीखें कि जब पॉजिटिव सेंटेंस बनाना होगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस बनाना होगा, तो हम जो है लिख देंगे कि आई एम नॉट प्लेइंग लूडो, आई एम नॉट प्लेइंग लूडो, इधर हो जाएगा आई एम प्लेइंग लूडो। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव सेंटेंस, ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस, क्लोज एंडेड। आर यू प्लेइंग क्रिकेट, आर यू प्लेइंग क्रिकेट। उसके बाद वाई आर यू प्लेइंग लूडो, वाई आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आप इस तरह के सेंटेंस को बहुत ही आसानी तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, आसानी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब आप देख सकते हो कि पॉजिटिव सेंटेंस की मैं बात करूं तो आप लिख सकते हो आई एम प्लेइंग लूडो, मैं लूडो खेल रहा हूं, मतलब ये एक टेम्पररी एक्शन को शो कर रहा है कि मैं लूडो खेल रहा हूं। कहने का मतलब क्या हुआ सर? मैं लूडो खेल रहा हूं मतलब कुछ समय पहले खेलना स्टार्ट किया था, कुछ समय के बाद मैं इसे एंड कर दूंगा, मतलब खेलना बंद कर दूंगा। उसके बाद आई एम नॉट प्लेइंग लूडो, मैं लूडो नहीं खेल रहा हूं, सॉरी मैं लूडो नहीं खेल रहा हूं, मतलब ये टेम्पररी एक्शन है, मैं लूडो नहीं खेल रहा हूं, मतलब नेगेटिव की बात कर रही है। क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो, ये क्लोज एंडेड है, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तो इसे यस या नो में हम कह सकते हैं कि हाँ खेल रहा हूं या फिर ना नहीं खेल रहा हूं। उसके बाद वाई आर यू प्लेइंग लूडो, क्या तुम लूडो क्यों खेल रहे हो, तुम लूडो क्यों खेल रहे हो, जाओ जाके बाहर क्रिकेट खेलो, जाओ जाकर बाहर क्रिकेट खेलो। तो हम इस तरह से जो है सेंटेंस को आराम से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हो, तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हो। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंस होंगे, वो सारे सेंटेंस जो हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होंगे, सारे सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होंगे। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर आपको मैं बता चुका हूं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, समझ में आ रही बात है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हम परमानेंट एक्शन में ना करके टेम्पररी एक्शन में करेंगे, और समझ में आ रही बात है, परमानेंट एक्शन का यूज ना करके टेम्पररी एक्शन में करेंगे। तो हम लोगों ने यहां क्या समझा सर? हम लोगों ने यहां समझा कि अगर परमानेंट एक्शन की बात होगी, तो हम यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर
अगर टेम्पररी एक्शन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बच्चों, टेम्पररी एक्शन की, तब कौन सा टेंसर, तब कौन सा टेंसर, तब हम बात करेंगे प्रेजेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। तो बच्चों ये जो है कॉन्सेप्चुअली आपको पढ़ना है, बच्चों कॉन्सेप्चुअली आपको समझना है। ये ताते ती रहा रही से थोड़ा सा ऊपर उड़ जाइए, वो एरा खत्म हो चुका है, वो एरा खत्म हो चुका है। अब इंग्लिश को इंग्लिश के तरीके से सीखेंगे, इंग्लिश को इंग्लिश के कॉन्सेप्ट से सीखेंगे, इंग्लिश को इंग्लिश के सहारे ही सीखेंगे। तो सबसे पहले यह समझ में आया कि परमानेंट एक्शन वह एक्शन होता है जिसमें हम ऑल टाइम, तीनों टाइम जिसमें फॉलो होता है, मतलब वह सिर्फ एक दिन की बात नहीं करता है, वह टेम्पोररी एक्शन की बात नहीं करता है। तो आप यहां पे देख सकते हो, अगर मैं बोलूं आई प्ले लूडो, आई एम प्लेइंग लूडो, तो अब आप बता सकते हैं आई प्ले लूडो कहने का मतलब क्या हुआ और आई एम प्लेइंग लूडो कहने का मतलब क्या हुआ। तो अब आप बहुत ही आसानी तरीके से, आसान तरीके से बता सकते हैं कि आई प्ले लूडो कहने का मतलब हुआ सर कि यह जो है लूडो जो है वो तीनों टाइम में क्या करता है सर, खेलता है, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी। मैं लूडो खेलता हूं मतलब आज भी खेलता हूं, कल भी खेला था, कल भी खेलूंगा, यह परमानेंट सेंस दे रहा है। यह कौन सा सेंस दे रहा है सर, यह परमानेंट सेंस दे रहा है। अगर उसके आगे बात करें आई एम प्लेइंग लूडो की, तो आई एम प्लेइंग लूडो मतलब मैं लूडो खेल रहा हूं, मैं लूडो क्या कर रहा हूं सर, खेल रहा हूं, मतलब कुछ समय पहले खेलना शुरू किया और कुछ समय के बाद एंड कर दूंगा, कुछ समय पहले स्टार्ट किया, कुछ समय के बाद एंड कर दूंगा। तो यह जो एक्शन है वह क्या है सर, वह है टेम्पररी एक्शन, वह क्या है सर, टेम्पररी एक्शन। समझ में आ रही है बातें, समझ में आ रही है। तो अब आप सेंटेंस को देखकर ही समझ जाओगे, सेंटेंस के सेंस को, मीनिंग को निकालने से आपको पता चल जाएगा कि यह कौन सा टेंस का है और यह कौन सा टेंस का है, यह कौन सा टेंस का है और यह कौन सा टेंस का है। जैसे कि मैं बोलूं कि मेरे पिताजी सोए हुए हैं, मेरे पिताजी क्या कर रहे हैं सर, तो मेरे पिताजी सोए हुए हैं, तो आप इसके इंग्लिश में क्या बोलोगे। सबसे पहले बात, आपके पिताजी सोए हुए हैं तो यह जो है एक टेम्पररी एक्शन है। यह कैसा एक्शन है सर, यह जो है टेम्पररी एक्शन है। तो आप बहुत ही आसान तरीके से बोल सकते हो कि माई फादर इज स्लीपिंग, माई फादर इज स्लीपिंग, माई फादर इज स्लीपिंग। बहुत ही आसान तरीके से आप कह सकते हैं कि माई फादर इज स्लीपिंग, तो हमारे पिताजी क्या कर रहे हैं सर, तो हमारे पिताजी सो रहे हैं, हमारे पिताजी सो रहे हैं। तो इस तरह से जो है आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज सेंस के अकॉर्डिंग, सेंस के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है सर, सेंस के अकॉर्डिंग आपको यूज करना है। अब मैं बोल लूं कि मेरे पिताजी सो रहे हैं या मेरे पिताजी सोए हुए हैं, तो ये दोनों सेंटेंस में हमें टेम्पररी एक्शन का ही सेंस दे रहा है। अब रहा है, रही है सेंटेंस में नहीं है, तो हमें परेशान नहीं होना है कि अरे सोए हुए हैं तो अब मैं क्या करूं। तो यहां पे आप किसी दूसरे सेंटेंस का प्रयोग नहीं करेंगे, यहां पे आप दूसरे टेंस का प्रयोग नहीं करेंगे बच्चों, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सेंटेंस के सेंस, कि सेंटेंस जो है कौन सा सेंस, कैसा सेंस दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम टेंस का प्रयोग
करेंगे। तो हम लोगों ने सीखा कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज हम परमानेंट एक्शन में करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हम टेम्पररी एक्शन में करेंगे, और उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर हम लोग किस तरह से ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो ये सारी चीजों की जानकारी मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको आज के वीडियो में दिया, आज की क्लास में दिया। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको जो है आज की क्लास बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हम कहां कहां करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हम कहां कहां करते हैं। तब तक के लिए बच्चों आप लोग देखते रहिए VSR अड्डा। थैंक यू वेरी मच।